नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट वर्सेस Eco 95G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 6.43 इंच जबकि 95G में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 2.98 इंच जबकि 95G में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 0.32 इंच जबकि 95G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 188 ग्राम जबकि 95G में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि GT Neo 3 5G 150 वॉट से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 20:1:9 जबकि 95G में 19:8:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 6.7 इंचेस जबकि 95G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन GT Neo 3 5G 150 वॉट में 1080x2412 और 95G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 87.79% जबकि 95G में 87.51% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 95G में 388 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 95G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 95G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में Mali-G 610 MC6 जबकि 95G में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में MediaTek Dimensity 8100 और 95G में Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 12GB की RAM मिलती है जबकि 95G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 95G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी GT Neo 3 5G 150 वॉट में 4500 mAh जबकि 95G में 4700 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
फीचर्स की बात करें तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में 3 कलर्स जबकि 95G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT Neo 3 5G 150 वॉट में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 95G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 54,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme GT Neo 3 5G 150 वॉट में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें EQ 95G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 5G है, तीसरा शाओमी Mi 10T 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 मिनी है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।